नमस्कार, घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ सूखे आलू की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनती है। आप देखिए, मैंने ये आलू लिए हैं, टमाटर, हरा धनिया, प्याज, लहसुन, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला, जीरा, नमक। देखिए, मैंने कढ़ाई रखी है। अब मैं कढ़ाई में तेल गरम करूंगी। यह आलू की सब्जी आप पूड़ी, पराठे या रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। जब मेहमान आए, घर में कुछ ना हो तो आप झटपट आलू बना के दे सकते हैं। देखिए, मेरी ये तेल गरम हो गया है। अब मैंने मसाले का पेस्ट बनाया था। एक बड़ी प्याज और लहसुन लिया था। अब मैं इसमें ढककर मसाला डाल दूँ। देखिए, अब मैं बाकी जो बचा हुआ है वो किसी में ऐड कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। इसमें हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। हल्दी हमने चौथाई चम्मच ली थी, धनिया 1 चम्मच, मिर्च चौथाई चम्मच ली थी, और वैसे आप जितना पसंद करते हो उस हिसाब से तीखा डाल दें। अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। ये मैंने टमाटर की क्यूरी डाल रही हूँ। आप चाहें तो टमाटर काट कर भी डाल सकते हैं। अब इसको मीडियम गैस पर भूने। मैं ये बिना पानी के सूखे आलू बना रही हूं। अब जब आप बनाएं तो मुझे भी कमेंट करके बताएं आपको कैसे लगे, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बजाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो पता चलती रहे। देखिए, मेरा ये सूखे आलू मैंने लंबे लंबे काटे थे। अब ये मैं 3 मिनट के लिए ढक के रखे थे। देखिए, अब 3 मिनट हो गए। अब हम इन्हें चलाते हैं। देखिए, अब इसे चेक करके देखेंगे। तब देखिए, अब मेरे 2 मिनट हो गए हैं। अब आलू भी बनकर तैयार हो गए हैं। और देखिए, बिल्कुल भी इन्होंने पानी भी नहीं छोड़ा, और सारा मसाला जो भी था, आलू कुरकुरे तैयार हैं। आप खाएं।